तो गाइस डिनर तो कर लिए, क्या बोले यार, इतना टेस्टी और इतना ज़्यादा पुलाव और चिकन खा लिए ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या ही बोले गाइस, मतलब चेहरा देख के तो आप लोग को लगता होगा कि पता नहीं आप लोग जान पाए कि नहीं, रात भर सोए नहीं है, बस एक केस पे काम कर रहे हैं। बस वो आप लोग का दुआ है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बस वो हो जाएगा ना तो सारा टेंशन हो ख़त्म हो जाएगा। बस दरअसल अभी बात ऐसा है कि वो चीज़ आप लोग को अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या ही बोलें, अभी मतलब बहुत ज़्यादा केस स्टडी करना पड़ रहा है उस पर। तो रात भर सोए नहीं है, दो तीन बार कॉफ़ी पी ली है, ग्राउंड आ गया है, संडे है, योगा करना है और निकलना है। और वैसे आज तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड में भीड़ है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। पता नहीं आज संडे, वही के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर डे, आज थोड़ा ज़्यादा है। पता नहीं संडे है वही के लिए हो सकता है। चलिए देखते हैं अभी प्लान क्या है, मतलब कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा है, बस सारा सोच उधर ही जा रहा है। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, निकलते हैं फिर। गाइस ग्राउंड से आने के बाद यार क्या ही बोले, मतलब रात भर तो सोए नहीं थे तो आके सो गए, अभी उठे हैं। फटाक से मालूम चला कि आज कॉलेज में मॉक टेस्ट है, तो देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सोचे हैं कि देना है, क्योंकि यार उससे एक्सपीरियंस आएगा कि मतलब कैसे एग्ज़ाम होगा। कल से एग्ज़ाम है और अभी नाश्ता कर लेते हैं, लेज हैं, लेज के साथ डार्क फैंटेसी नाश्ता करते हैं, और बाकी फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। और ये सब तो हम रेडी रख लिए, ये सब लिख के हम रेडी रख लिए, क्योंकि ये सब ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले लिखना। और अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे थे, बस 1.5 घंटा हुआ और पढ़ाई कर रहे। अब चलते हैं, जल्दी से एग्ज़ाम देते हैं, 2 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। 2 hours later तो गाइज एग्ज़ाम तो ठीक ही ठाक गया, क्या ही बोले, मतलब मॉक टेस्ट था तो वो ज़रूरी नहीं था कि कैसा क्या कैसा देना है, बस उसमें बताया जा रहा था कि कैसे अपलोड करें, बस वो सब सीख गए बहुत ज़्यादा। और अभी लेमन टी बना रहा है, लेमन टी के साथ जो रात का पराठा बचा हुआ था वो खाएंगे, बहुत ज़ोर से भूख लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस वो जो चिप्स था वो खाया, और अभी बज रहा है 4, खाएंगे, शायद आज वॉलीबॉल खेलने जा सकते हैं। तो वैसे लेमन टी तो रेडी हो गया, चलिए इसको अब रखते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा वाला को खाते हैं, छोटा वाला रोटी को चाय के साथ, लेमन टी के साथ। चलिए तो खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं, आप लोग भी डिस्टर्ब नहीं है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो गैस अभी वॉलीबॉल खेल के आ गए हैं और अभी ये ऑर्डर रिसीव किए हैं, ऐसा 4-5 डब्बा है, ये सीक्रेट है, फ्री में आया है, करीब 10,000 का, 10,000 का प्रोडक्ट फ्री में आया है। ये कंपनी कौन सा कंपनी भेजा है अभी तो नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है, बता देंगे आप लोग को बाद में, क्योंकि अभी हम लोग का प्लान बना है कि बटर चिकन विथ पुलाव बनाने का। तो सबसे पहले चलिए सामान लाते हैं, सारा चीज़ है, सिर्फ चिकन लाना है। तो चलिए मार्केट के तरफ, आप लोग को आज मार्केट का कुछ सीन आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस अभी मैं मार्केट के बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे चिकन शॉप है, वहाँ पे बहुत गंदा स्मेल करता है, जो कि हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अभी हम मार्केट के बीच में बैठे हुए हैं और मेराज भैया लाने गए हैं चिकन, और यहाँ देखिए बच्चा लोग बैठा हुआ है, इन लोग को दोस्त बना लिए, क्या ही बोले, दोस्त बना लिए तुरंत। चलिए थोड़ा सा मार्केट को आप लोगों को दिखाते हैं।
आज मार्केट से चिकन ले आए हैं और बटर भी है, जिंजर गार्लिक मसाला, चिकन मसाला। चलिए जल्दी से प्याज वाज काटते हैं, प्याज वाज काट के बनाते हैं चिकन। तो सबसे पहले चिकन को वॉश कीजिए, फिर थोड़ा सा बटर में इसको तल दीजिए, पूरा फुल फ्राई नहीं कीजिए, हल्का फ्राई कीजिए। फिर चलिए सबसे पहले सब चिकन को फ्राई करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं आगे क्या करना है। तो चिकन तो बटर के साथ फ्राई हो गया है 25%, और अब डलाएगा इसमें बटर का 25% जो 50 रुपये वाला आता है उसको डाल दिए, और साथ में खड़ा मसाला, साबुत मसाला, मसाला डालिए। ये देखिए मसाला डाल दिए हैं, खड़ा मसाला, जो कि इसको साबुत मसाला भी हम लोग बोलते हैं, आपको जैसे समझ में आ रहा है समझ जाइए। उसके बाद प्याज दीजिए, प्याज मिर्च साथ में दे दीजिए, टमाटर को कुछ देर बाद दीजिएगा। तो अब टेस्ट अनुसार नमक दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नमक दीजिएगा तो जल्दी जो प्याज है वो मतलब अच्छा से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जिससे आप अपना गैस को बचा सकते हैं। उसके बाद जो प्याज है उसको गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको मतलब चलाते रहिए, तो उससे ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब बनेगा। अब आप लोग को दिखता होगा जो मेरा ओनियन है वो पूरा एकदम बहुत अच्छा वाला एकदम कलर आ गया, और अभी लहसुन का जो 4-5 पीस लेके उसको थोड़ा ग्रीन कर दिए, तो अब उसको डाल रहे हैं। उसके बाद फिर गार्लिक का पेस्ट डालना है, कुछ देर चलाने के बाद अब देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप घर में भी बना के दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को मार्केट से ले आए हैं। इसको थोड़ा चलाइएगा कुछ देर, तो गाइस थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी डाल दीजिएगा, तो आपको जो ये मसाला ऐसे हो जाएगा, जैसे ही ऐसे होगा तो उस टाइम आप चिकन मसाला डाल दीजिएगा, जो कि हम लोग 5 रुपया वाला चिकन मसाला यूज कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट लेना कि एवरेस्ट का लीला यार एवरेस्ट ओह एवरेस्ट का है, हमको लगा माउंट एवरेस्ट है, मतलब माउंट एवरेस्ट होगा, एवरेस्ट का है। दो लिए है, एक अभी एक बाद में डालेंगे। और क्या ही स्मेल आ रहा है यार, बता नहीं सकते आप लोगों को। फिर उसके बाद टमाटर और मिर्च डालिए, पूरा एक एक करके आप लोग को रेसिपी बता रहे हैं कि आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर अगर कोई भी दिल्ली में रहते हैं तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ 31 फरवरी को, आप वो आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर। देख रहे क्या ही यार, ओ भाई वो छोड़िए ना यार, स्मेल बहुत मस्त आ रहा है। मसाला ऑलमोस्ट रेडी, हाँ मसाला रेडी है, चिकन को हम लोग 25% फ्राई करके रख दिए हैं बटर से। तो ऑलमोस्ट 90% मसाला रेडी हो गया, और चिकन को देखिए 25% हम लोग फ्राई करके रखे थे, तो अब उसको डाल देते हैं इस पे। फिर फ्राई कर देते हैं, आज तो मजा आ जाएगा यार।
कौन कॉल कर रहा है यार। तो गाइस आप लोग तो देख सकते हैं चिकन एकदम पूरा 100% फ्राई हो गया है, बस इसमें पानी डालना है और इसको कुछ देर मतलब 80% हो गया है, 20% होने देना है और मतलब इसको ऊपर से ढक देंगे, बर्तन कोई भी मतलब ले लीजिएगा और 20 मिनट के बाद मतलब हर 5 मिनट में आप इसको चलाते रहिए कि इसमें मतलब थोड़ा सा लटक ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग 20 मिनट के बाद इस रेडी चिकन को दिखाते हैं। तो गाइस जो हमारा चिकन है वो रेडी हो गया है, देखिए यार गजब का। चलिए आप लोग को दिखाते हैं जीरा राइस बन रहा है, देखिए बटर डल चुका है, साथ में फिर जीरा डाल देते हैं, जीरा भी डल गया है, फिर जीरा को कुछ देर फ्राई करते हैं। के बाद चावल डाल देते हैं, जो कि चावल आप लोग 15 मिनट पहले ही मतलब इसको पानी में डाल दीजिएगा तो ये अच्छा होगा। अब इसको मिलाते हैं, इसको कम से कम 5 मिनट तक मिलाइए, 5 मिनट बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा, जितना चावल रहेगा उसका डबल पानी दीजिएगा। हम लोग का तो एक गिलास चावल था तो हम लोग डबल पानी दिए हैं। तो इसको चलाते हैं और फिर इसको ढक के 3 सीटी मरवा देते हैं। अब पुलाव बनने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अब पापड़ को सेक देते हैं, सारा चीज रेडी हो गया है, बस पापड़ बाकी है। दे प्लेट दो, प्लेट दो, प्लेट जल्दी। कितना वो डिनर तो बन गया, क्या ही बोले यार, 1.5 घंटा लग गया, 10 बजे मतलब बनाना स्टार्ट किए थे, अभी हो गया 11:30। चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या बनाए हैं, जल्दी से मतलब थोड़ा सा दिखा देते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। बहुत जोर से भूख लगा यार, क्या ही बोले, वेट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे पुलाव, साथ में चिकन, बटर चिकन, यहाँ पे चिकन अभी और है और हमको लग रहा है आज पेट भर जाएगा। यहाँ में राजू भैया का सलाद, पापड़, पानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगा यार। हाँ पहले पंखा चालू कीजिए फिर खाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस डिनर तो कर लिए, क्या बोले यार, इतना टेस्टी और इतना ज़्यादा पुलाव और चिकन खा लिए ना कि ब्लॉग को एंड करने के लिए उठने का ताकत मेरे पास नहीं है। तो गाइस अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।